हमारा यही तो काम होता है कि हम बॉडी को खुद से हील नहीं करने दें। नहीं भैया, आप हील करोगे तो तब तक बहुत समय हो जाएगा और तब तक बैक्टीरिया या वायरस हमारा कुछ नहीं कुछ पार्ट को फाइब्रोसिस तो करके ही, यानी नुकसान तो करके ही जाएंगे। तो डॉक्टर का यही तो काम है कि जो थर्ड स्टेज थी, या जो से थर्ड तक तो बनने ही मत दो, सेकंड जो थर्ड स्टेज के 4-5 दिन के अंदर ही इतने जैसी पता चल रहा है, फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने रिपोर्ट कराई और उसको निमोनिया निकल गया, तुरंत हैवी अमाउंट में एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल देना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो WBCs की और इनकी हेल्प करेंगे, फटाफट बैक्टीरिया को मार देंगे, यानी बैक्टीरिया या वायरस जो भी है, जो आपके बॉडी के सेल्स है वो उनको ना मार पाए, आप उन्हें पहले मार दो। अगर उनने आपको मार दिया, उनने आपके सेल्स को मार दिया, ठीक है, बाद में अगर बाद में वो आपके जैसे सपोज करो 10% भी मार मार दिया उन्होंने, फिर भले मैं मान रहा हूँ आपके WBCs उन बैक्टीरिया को मार देंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया वायरस आपका 10% तो लॉस करके चलेगा ना, जो आपके नेचुरल सेल्स थे, जो लंग्स के सेल थे, उनका तो लॉस करके चलेगा ना, तो फाइब्रोसिस हो गई ना। तो ये इसीलिए नेचुरल हीलिंग नहीं होने देते। जब भी बॉडी में कोई भी चीज की नेचुरल हीलिंग होती है तो उसके बदले में कोई ना कोई नुकसान होके जाता। अगर नेचुरल हीलिंग इतनी अच्छी होती तो ये सब दुनिया जो आपका जो MBBS करते हैं, MDMS करते हैं, ये बंद ही हो जाती, ड्रग बंद ही हो जाए ना, क्योंकि बॉडी तो हमेशा हील करती है। बात मान लो, आप कुछ भी मत खाओ, आपको कुछ भी आएगा आपको मत खाना, बोलते ना खुद से ठीक हो जाते हैं, खुद से ठीक तो हो जाते हैं, मगर खुद से ठीक होने में लगता है समय, और उस समय को हम निकाल देते हैं, कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे खुद से, और उसके चक्कर में कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है, और वो लॉस उस टाइम पे नहीं आगे समझ में आता। इसीलिए जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो, ये मत सोचो हमारी बॉडी स्ट्रांग है, हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, बॉडी में बहुत ताकत है, वो सब ठीक कर देगी। अरे भैया, वो अपनी जगह पे, लेकिन तुरंत ड्रग लेने जाओ, उसका ट्रीटमेंट कराओ, बॉडी कर देगी सही, वो बहुत अच्छी बात है, मैं मान रहा हूं, लेकिन उसके बदले में वो आपके बहुत सारे लॉसेस करके चली जाएगी और उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे आप। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या पढ़ोगे? क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं? फीवर दिखेगा भैया, बेसिक बात है, बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है तो फीवर दिखेगा। प्लूराइटिक चेस्ट पेन, चेस्ट पेन तो जब होगा जब वो इन्फेक्शन आपके पूरे प्लूरा पर, प्लूरा कौन होता है, जो लंग्स की आउटर कवरिंग होती है, प्लूरा होता है लंग्स के आउटर कवरिंग पर इन्फेक्शन फैल जाए, तो फिर आपको चेस्ट पेन तो बहुत है, एंड स्टेज वाला होता है, जब पूरे लंग्स के बाहर आउटर कवरिंग पर भी फैल गया। प्लस क्या मिलेगा आपको? कफ देखने को मिलेगा, कफ और प्रोडक्टिव और प्यूरुलेंट स्प्यूटम। जब वो कफ करेगा ना तो स्प्यूटम बाहर निकलेगा, और वो स्प्यूटम मालूम कैसा होगा? प्यूरुलेंट, प्यूरुलेंट का मतलब गंदा, बदबूदार। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आएगा? पस आएगा, जो पस आपके लंग्स में पड़ गया था ना वो आएगा, तो उसमें आपके क्या बोलते हैं, WBCs होंगे, सेल डेब्रिस होंगे, डेड डेड टिश्यूज होंगे, बैक्टीरिया होंगे, सब प्रेजेंट होंगे, तो वो पस आएगा उसके स्प्यूटम गंदा। और कभी कभी हिमोप्टेसिस भी होना स्टार्ट हो जाती है, हिमोप्टेसिस का मतलब होता है स्प्यूटम में कभी कभी ब्लड भी आने लग जाता है, तो ब्लड इन स्प्यूटम, ये बहुत रेयर होता है। इसमें ये नियर अबाउट सिर्फ 10% केसेस में ही मिलता है, मतलब 10 लोगों को निमोनिया तो उसमें एक ही के में कभी ब्लड आ सकता है, और उसके जो एक में भी आएगा वो बहुत माइल्ड आएगा, वो इस वजह से आता है कि इतना ज्यादा अंदर डैमेज होने लग जाए कि ब्लड निकलने लग जाए, तो इसमें बहुत रेयर होता है, याद रखना ब्लड आना, ठीक है, मगर आ सकता है, 10 में से 1 लोग को आता है और वो भी माइल्ड आएगा, तो इतना कुछ नहीं, बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत, मतलब समझो थोड़ा बहुत आ सकता है ब्लड में, थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का सा, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, ये बेसिक सिम्टम्स है, ये मिलते हैं कभी कभी, अब जरूरी नहीं है, कुछ लोगों में क्या होता है कंफ्यूजन वाला, जो ओल्डर एज के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, तो उनको कंफ्यूजन वगैरह ये सब होना होता है, ठीक है। और कहो उन लोगों में ये ऊपर के सिम्टम्स ना मिले, देखो जनरली जिन लोगों में ये सिम्टम्स नहीं मिलते ना ऊपर वाले, उनमें जनरली होता है एटिपिकल निमोनिया, अगेन नया नाम आ गया, क्योंकि अभी तक जो हम निमोनिया पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं टिपिकल निमोनिया, टिपिकल ये होता है, एक होता है आर्टिपिकल निमोनिया, आर्टिपिकल का मतलब होता है एक्यूट स्टेज का निमोनिया, क्योंकि ये कफ आना, स्प्यूटम में पस आना, इसका मतलब समझते हो स्प्यूट निमोनिया कितना खतरनाक हो गया, दिमाग तो लगाओ, कफ आना, फीवर आना, ये बेसिक बात है, लेकिन स्प्यूटम में आपके क्या बोलते हैं प्रुलेंट स्प्यूटम आना, मतलब अंदर कितना डैमेज हो रहा है, पस बन रहा है, तो यानी बहुत ज्यादा आप एंड स्टेज पे पहुंच गए हो, मतलब समझ रहे हो खतरनाक स्टेज पे, बिल्कुल निमोनिया की थर्ड स्टेज पे पहुंच चुके हो, तो हमको क्या होता है निमोनिया को सेकंड स्टेज पे ही रोकना है, फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे ही हमें उसे रोकना है, तो एटिपिकल का मतलब होता है एक्यूट, तो स्टार्टिंग में आपको ये सब नहीं दिखेगा, स्टार्टिंग में आपको ड्राई कफ आएगी, बुखार आएगा, तकलीफ होगी, ड्राई कफ आएगा, अगर स्पूटम भी आएगा तो नॉर्मल, कोई पस वस नहीं आएगा, पस वस तो बहुत एंड स्टेज पे आएगा, जब आपके अंदर थर्ड स्टेज तक पहुंचते पहुंचते, क्लियर, तो वहां पर तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है ऑलरेडी। कुछ आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स भी दिखेंगे, मतलब कि लंग्स के अलावा भी और क्या क्या भैया इन्फेक्शन है, तो सब जगह आपको मसल पेन देखने को मिलेगा,
है ना, ये सब में मिलता है, ऐसे चीजें मिलती हैं जो अलग से फीचर्स मिलते हैं, जो लंग्स के अलावा भी, एथ्रेलिया का मतलब होता है जॉइंट पेन भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, बैक्टीरिया अंदर आ रहा है तो इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन तो होगा ही, अब इन्फ्लामेशन होगा तो WBC एक्टिव होंगे, अब WBC एक्टिव होंगे तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अकेले लंग्स में तो होगा नहीं, WBC सब जगह पूरी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखते हैं, पूरी बॉडी में आपको फीवर आएगा तो फिर सिर्फ लंग्स में थोड़ा ना आएगा, पूरी बॉडी में आएगा, दर्द होगा तो सिर्फ लंग्स में थोड़ा ना होगा, पूरे होगा, सब जगह होगा पूरी बॉडी में, आपको आपने भी कभी आया होगा फीवर बुखार, एक जगह पर चोट लगी होती है पैरों में, बुखार तो पूरी जगह आता है ना, पेन तो पूरी जगह होता है ना, तो उसी वजह से, ठीक है, हेडेक्स भी होते हैं, मेंटल कंफ्यूजन भी हो जाती है, एब्डोमिनल पेन भी आ सकता है, डायरिया भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रेट बहुत हाई मिलेगी, क्यों, क्योंकि लंग्स डिप्राइव हो रहे तो लोग जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेंगे, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगी, ठीक है, चेस्ट एग्जामिनेशन करने पर क्रिपिटेशन, जो अभी हमने बताया ना क्रिपिटेशन साउंड पड़े थे उनमें, वो ब्रोंकियल जो ब्रीथिंग पड़ाता है वो सिर्फ 1/3 लोगों में ही मिलता है, मतलब हर 3 में से एक को, क्यों, क्योंकि वो तो बहुत एंड स्टेज की हो जाती है, जब पस वस बनना स्टार्ट हो जाती है तो वो एंड केस पे मिलती है, वरना जो नॉर्मल हमको क्रिपिटेशन साउंड ही मिलते हैं, जो बैक्टीरिया अंदर एंटर करें या सिर्फ उसके, अगर ब्रोंकियल ब्रीथिंग मिलेगी तो मतलब पस बनना स्टार्ट हो गया, तो वो थोड़ी सी चीज खराब हो जाती है, तो वो थोड़े से कम केसेस में ही देखने को हमें मिलती है, बाकी कॉम्प्लिकेशन सब कुछ लिख दो जो लंग्स के अंदर है, पैरानिमोनिक इफ्यूजन हो जाता है, पैरानिमोनिक इफ्यूजन मतलब जो फ्लूड अभी लंग्स के अंदर भरा था, जो अभी फ्लूड लंग्स के अंदर भरा था वो पूरे लंग्स के ऊपर आ चुका होता है, पूरा पूरा ऊपर आ जाता है, लंग्स के ऊपर कौन सी लेयर होती है, प्लूरा होती है, तो प्लूरा भी में भी क्या इन्फ्लामेशन हो जाता है, प्लूरा प्लूरा में भी फ्लूड भरने लग जाता है, तो जो आपके प्लूरल स्पेस होता है, आप जानते हो जो ऊपर की प्लूरा होती है वो 2 लेयर से होती है, बाहर पराइटल अंदर विसरा हो, बीच में कोई फ्लूड भरा रहता है जिसको प्लूरिटिक फ्लूड बोलते हैं, तो उसमें फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी तक अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। मेनिनजाइटिस, यानी मेनिनजाइटिस मतलब वो, अब ये सीधी सी बात है, दिमाग लगाओ, ये इन्फेक्शन है का लंग्स में, लंग्स में अब, या लंग्स में वो बैक्टीरिया ट्रेवल करके कहाँ जा सकता है, ब्लड में, अब लंग्स के द्वारा जो ब्लड में जाता है वो तो ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है ना, तो बैक्टीरिया कहीं भी जाकर कहीं भी फैला सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है जब इतने मुनिया इतना ज्यादा, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, अब भैया सीधी बात है ब्लड है, कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, कहीं भी इन्फेक्शन जाता है, मेनिनजिस में चला जाए, यानी हमारी पाया पाया मैटर है, एडेनोइड ड्यूरा, उन सब में चला जाए तो मेनिनजाइटिस करा सकता है, जॉइंट में चला जाए तो अर्थराइटिस करा सकता है, हर्ट में चला गया तो हर्ट के में एंडोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस करा सकता है ना, एब्डोमिन में चला जाए तो जो एब्डोमिन की मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम, जो एब्डोमिन की लाइनिंग होती है उसमें चला जाए तो पेरिटोनाइटिस करा सकता है ना, इम्फाइम, अच्छा ये 2 वर्ड में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, इम्फाइजिमा और इम्फाइमा में, मैं बहुत होता था लोगों को पता नहीं, इम्फाइजिमा एक आपकी COPD है, इम्फाइजिमा उसको पढ़ेंगे डीप में, इम्पाइमा का मतलब होता है पस बनना, आपके स्प्यूटम में पस होना, पस इन स्प्यूटम, उसको इम्पाइमा बोलते हैं, ठीक है, तो एक कंफ्यूज मत होना, इम्पाइमा होता है पस इन स्प्यूटम, इट इज अ सिम्टम, है ना, सिम्टम होना है, और इम्फाइजिमा तो एक डिसीज है जिसको हम बहुत COPD की डिसीज है, उसको हम बाद में बहुत डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। सेप्टिसिमिया का मतलब होता है पूरी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाना, फिर आगे चल के लंग्स में कुछ भी हो सकता है, कहो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाए, या एप्सिस माने पस बन जाना, कैपिटाइशन हो जाना, या लंग के अंदर एयर भर जाना, नीमोथोरेक्स, या कहो ब्लड भर जाए तो हीमोथोरेक्स, तो ये कॉम्प्लिकेशन में तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि लंग्स में आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकते हो, इवन लंग्स में नहीं, इसमें हमने पूरी बॉडी की पढ़ी, क्योंकि इन्फेक्शन है तो पूरी बॉडी में कहीं से भी फैल सकता है और कहीं से भी वो ट्रेवल कर कर आ सकता है, तो ये हमारा कॉम्प्लिकेशन हो गया, अब हमारा लास्ट 2 पार्ट बचे हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, इसको बस हम और अच्छे से समझते हैं फिर हमारा चैप्टर एंड। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, दिमाग लगाओ, स्प्यूट सबसे बड़ी चीज तो सर हमें स्प्यूटम का ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट कराएंगे। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, देखो एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ आज आपको, हमेशा याद रखो, अगर आपके जब भी आप अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है और आपने CBC कराई है और आपको WBC भरे हुए मिल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है वो बैक्टीरिया ने कराया, बैक्टीरिया या फंगाई ने कराया, और आपको WBC कम मिल रहे हैं तो इसका मतलब है जो इन्फेक्शन हुआ है वो वायरस से हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरिया जब भी आपकी बॉडी में अंदर एंटर करता है ना, वो आपके WBC को क्या करता है, आपके WBC से फाइट करने की कोशिश करता है, आपके WBC वो खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है, बैक्टीरिया एक का रूल है, बैक्टीरिया खुद 1 के 2 होंगे,
वो ये नहीं करेंगे कि आपके WBCs को मारे, नहीं, वो आपके WBC से लड़ाई करते, वो आपके WBC को कम नहीं करते, तो आपके WBC अलग बढ़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके WBCs अपनी जगह बना रहे होते हैं कि हम इन बैक्टीरिया को मार दें, बैक्टीरिया अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे होते हैं कि हम इन WBCs को मार दें, तो एक नॉर्मल युद्ध है, समझ लो, जो एक दो कंट्रीज के बीच में होता है, कि एक दो कंट्रीज के बीच में, कि जैसे अभी चल रहा है यूक्रेन रशिया, तो यूक्रेन अपनी सेना बढ़ा रहा है, वो अपनी बढ़ा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बैक्टीरिया भी ज्यादा मिलेंगे और WBCs भी ज्यादा मिलेंगे, तो बैक्टीरिया हमेशा इस तरीके से ग्रोथ करता है कि वो खुद की ग्रोथ बढ़ाता है, वो किसी को नुकसान करके अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ाता, बल्कि वायरस उल्टा है, वायरस कभी खुद ग्रोथ नहीं करता, वायरस का सीधा रूल है, एक वायरस अंदर एंटर हुआ तो वो आपकी वो आपके WBC को पकड़ेगा और आपके WBC के ऊपर जाके बैठ जाएगा और उसे मारकर उसी को अपना वायरस बना लेगा, उसी को अपनी फॉर्म दे देगा। वायरस ऐसा नहीं करता, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया खुद के डिवाइड कर रहा है, वायरस क्या करता है, आपके आपके WBC पे बैठ के और अपना जो उसका RNA होता है, या RNA या जो भी उसका DNA है, जो भी वायरस है, अलग 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 वायरस में, कुछ वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी होता है, RNA भी होता है, तो जो उसका है वो इसके अंदर एंटर कर देता है, अपने WBC के अंदर एंटर, और अपने WBC को ही वो वायरस बना देता है। सोचो इतनी खतरनाक चीज है ये, आपके इस तरीके से, जैसे इंडिया के अंदर पाकिस्तान वाले लोग आए तो वो क्या करते हैं, ये फौजियों की लड़ाई नहीं है, जो इंडिया पाकिस्तान वायरस और WBC जो बैक्टीरिया की लड़ाई होती ना, ये होती है फौजियों वाली की, पाकिस्तान के कुछ लोग आके लड़ रहे हैं, अपने सेना लड़ रही है, दोनों की सेना भड़ रही है, लड़ाई हो रही है, मगर ये उस तरीके से होती है कि ये वैसे लोग हैं कि जो आपके अंदर क्या है, वैसे लड़ाई नहीं करते, आपके अंदर आएंगे, आपके इन्वेट करेंगे और आप ही के लोगों को भड़काएंगे और उन्हीं को आतंकवादी बना देंगे, तो वो फाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला क्या कह रहा कि आपके WBC को ही मार दो, इन्होंने क्या बोला कि आपके WBC को ही वायरस बना दो, खत्म करो, अपना DNA RNA इनके अंदर एंटर कर दो, अब यही नहीं बचेंगे तो आपको बचाएगा कौन, कौन बचाएगा, इसलिए वायरल डिसीज सबसे खतरनाक होती है। HIV क्या होता है, मैंने क्या बोला कि HIV में क्यों आपने HIV से नहीं मरते, क्योंकि HIV आपको ये अपनी ग्रोथ नहीं करते, इनको कोई मतलब, ये आपके WBC के अंदर एंटर करके WBCs खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं, अब ये नहीं होंगे तो इम्यूनिटी के, कोविड में भी यही होता था, कोविड में वायरस करता क्या है, आपकी WBCs की क्वांटिटी कम कर रहा है, अब आपको वायरस आपको कभी नहीं मारेगा, नहीं, बैक्टीरिया आपको मारता है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ करके आपको मारता है, लेकिन वायरस आपको कभी नहीं मारता, वायरस आपके WBCs के अंदर एंटर करके उसको मार देता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी हो जाती है कॉम्प्रोमाइज, जिसकी वजह से कोई और डिसीज आपके बॉडी में अंदर आकर एंटर करके वो आपको मार देती है, उस डिजीज, तो कोविड में जो हम मर रहे थे वो किस वजह से मर रहे थे, कि कोई और डिसीज आकर वो मार रही थी, HIV में क्यों मरते, कोई और डिसीज आ जाती है वो हमें मार देती है, क्योंकि हमारे WBCs को खत्म करते, तो ये सबसे बड़ा रोल होता है कि जब भी आप ब्लड में करोगे, अगर WBCs बड़े मिल रहे हैं, ल्यूकोसाइटोस यानी हाई पॉलीमॉर्फ ल्यूकोसाइट्स अगर बड़े हुए मिल रहे हैं, तो उसका मतलब बैक्टीरियल निमोनिया है, मगर आपके जो वायरल वाला है तो उसमें आपके जो टोटल ल्यूकोसाइट्स है वो कम हो जाएंगे, इसका ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपको इन्फेक्शन WBCs के वायरस से हुआ है कि बैक्टीरिया से हुआ है, ठीक है, बाकी ये जो आप ऐसा ही पहले से भी आपने बहुत सुना होगा, बस मैंने इसको समराइज कर दिया है, तो हमने ये कराया, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट हम कराते हैं रेस्पिरेटरी सिक्रेशन टेस्टिंग, ग्राम स्टेनिंग और जीन नेल्सन स्टेनिंग, ये कुछ नहीं होता, इससे ये पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया से आपको हुआ है, स्पेशली इसको बैक्टीरियल स्क्रीनिंग बोलते हैं, इसको बैक्टीरियल स्क्रीनिंग बोलते हैं, या इसको कल्चर टेस्ट भी बोलते हैं, कल्चर टेस्ट, या इसको सीरोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं, तो इससे पर्टिकुलर हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम स्टेनिंग सुना होगा ना, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कैसे पता करते हैं किसी भी बैक्टीरिया, ग्राम स्टेनिंग से तो पता करते हैं, तो हमें इससे पता करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया से स्पेशली हुआ है, उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, पहला रीजन ये है कि हम आपको कौन सी मेडिसिन दें, अगर हमें पता चल गया कि आपको पर्टिकुलर इस बैक्टीरिया से ही हुआ है, तो आपको हम पर्टिकुलर उस बैक्टीरिया के लिए ही मेडिसिन देंगे, यानी उस बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक देंगे, इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, हमें जब हमारा टारगेट पता है कि हमारा टारगेट हमारी आंखों के सामने, जब हमें उसी को मारना, हमें मालूम है ये जो बैक्टीरिया है ये इसी मेडिसिन से मरेगा, हम जानते और हमने वही मेडिसिन उसको खिलाई, तो होता है नैरो स्पेक्ट्रम, तो उससे आपको तुरंत होगा, लेकिन हमने ये करा और हम बैक्टीरिया को नहीं पकड़ पाए, हमें नहीं मिला वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो फिर हम देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब कि भैया जो कुछ भी होगा वो मर जाएगा, लेकिन फिर उसमें समय लगेगा, नैरो स्पेक्ट्रम में जल्दी ठीक हो जाओगे, ब्रॉड में जल्दी ठीक तो ना होगा, गारंटी भी नहीं है होगे नहीं होगे, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो आप हर मेडिकल स्टोर पे जाके एंटीबायोटिक ले लिए तो ना, वो जब सब डॉक्टर लिख देते हैं वो सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही लिखते हैं कि भैया कुछ ना कुछ तो वो खत्म कर देंगे, जैसे पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो ये बहुत कराना इंपॉर्टेंट जरूरी होता है, पता करना वो कौन सा बैक्टीरिया में, स्प्यूटम का टेस्ट है, स्प्यूटम
स्प्यूटम, स्प्यूटम निकाल के उसके अंदर पता करते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कितना पस है, तो कितने डब्ल्यू, क्योंकि अपन को क्या क्या मिलते थे स्प्यूटम के अंदर, WBCs मिलेंगे, पस, और क्या बोलते हैं आपको, सारे के सारे जितने कितने अमाउंट में बैक्टीरिया अंदर प्रेजेंट है, कितने सेल एवरेज है, कितना अंदर आपका लॉस हो चुका है, कितना टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो चुका है, ये सब आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, स्प्यूटम से देखने को मिलेगा। तो स्प्यूटम के हम अलग अलग टेस्ट कराते हैं, नाम याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। स्प्यूटम कराने की टेक्निक्स हैं, पहली टेक्निक है परकुटेनियस ट्रांसट्रेकियल एस्पिरेशन ऑफ सीक्रेशन, दूसरी टेक्निक है फिब्रियोप्टिक ब्रोंकोस्कोपी विद ब्रोंकियो एल्व्यूलर लीवेज लेवेज, ठीक है, एंड ब्रशिंग, और तीसरी है परकुटेनियस ट्रांसथोरेसिक निडल एस्पिरेशन। ये तीनों की तीनों टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, लंग्स के से आपके क्या निकालते हैं, स्प्यूटम निकालते हैं। मैं आपको एक बार एक एक करके फटाफट जल्दी जल्दी इमेज दिखा देता हूं। ट्रांसट्रेकियल, एक सेकेंड, परकुटेनियस ये है मेरे, मैं क्या है? ये अलग अलग टेक्निक है, इस तरीके से, ये वाली है। ट्रेकिया से एक पाइप डालते हैं आपके नेक के अंदर, इस तरीके से पूरा ट्रेकिया से और अंदर स्प्यूटम को खींच लेते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं परकुटेनियस ट्रांसट्रेकियल एस्पिरेशन ऑफ सीक्रेशन, ये इस वाली टेक्निक को, जो पहली वाली है ये रही इमेज, ठीक है, इस तरीके से अंदर डाल के और पूरा स्प्यूटम खींच लेते हैं। सेकेंड वन जो आपकी है, सेकेंड वन है आपकी, क्या बोलते हैं, फिब्रोटिक ब्रोंकोस्कोपी, ये इसमें और अंदर डालते हैं, इसमें फिब्रोटिक बैंक एक दिखाता हूँ, फिब्रोटिक ब्रोंकोस्कोपी, ये पूरा ब्रोंकोस्कोपी करके पूरा और डीप अंदर डालकर, उसमें पूरा निडल की जैसे था, इसमें पूरा ये ब्रोंक इस तरीके से, ठीक है, इसमें पूरा ब्रोंकोस्कोपी अंदर डाल के, और ये ना क्लियर करके, ठीक है। और थर्ड वन लास्ट होता है निडल एस्पिरेशन, निडल एस्पिरेशन में कुछ नहीं करते, निडल डालकर पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं। ये लंग्स में पूरा आपके लंग्स वाला, इसमें देखो एक सेकेंड, लंग्स वाला दिखाता हूँ, एस्पिरेशन, ये लंग्स में आपके निडल डाल के और यहां से स्प्यूटम खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग टेक्निक्स होती हैं स्प्यूटम लेने की, ठीक है। अब सीरोलॉजिकल और एंटीजन, ये तो वही टेस्ट जो मैंने बताया कि पर्टिकुलर पता करना कौन सा बैक्टीरिया कौन से एंटीजन से है, तो इससे हम क्या पर्टिकुलर एंटीजन पता कर लेते हैं हमें किससे हो रहा है, तो उससे दो फायदे हैं, अगर हमें पता चल गया तो पर्टिकुलर उसी के लिए मेडिसिन देंगे जिससे हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर रेडियोलॉजिकल स्टडीज में एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में क्या दिखेगा, एक्सरे में पर्टिकुलर हमें दिखता है पैरान्यूमिक इफ्यूजन। एक्सरे में जनरली पैरान्यूमिक का मतलब क्या होता है, हम पढ़ के आ चुके कि जो आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन है, जो आपकी, जो आपने कॉम्प्लिकेशन में पढ़ी थी, जो आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन थी उनमें क्या हो रहा था, जब उनमें इन्फेक्शन होने लग गया था, यानी ऊपर की तरफ इन्फेक्शन चला गया था, तब उसको देखो, मैं ये आपको दिखाऊंगा, ये इसमें आपको पूरा नजर आएगा कि कैसे लंग्स के ऊपर देखो दिखता है पैरान्यूमिक इन्फ्यूजन। देखो इमेजेस दिखाना बहुत जरूरी होता है, याद हो जाता है, इस तरीके से देख रहा है, ये देखो लंग्स में ये व्हाइट पड़ता जा रहा है, इसके व्हाइट पड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो गया, इन्फेक्शन आ गया है, देखो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा बैक्टीरिया या जो भी वायरस है उसने पूरी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर नहीं आ रही, या सोडिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है, क्लियर, तो ये हमारा होना स्टार्ट हो जाता है। और बाकी फिर तो बेसिक है कि पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं, क्यों, क्योंकि लंग्स के अंदर होता है ऑक्सीजन तो गिर सकती है। एबीजी एनालिसिस करते हैं, आर्टरियल ब्लड गैस, आर्टरी के अंदर जो हमारा आर्टरियल ब्लड ग्लास एनालिसिस, यानी आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कौन कौन सी, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेक करते हैं, नॉर्मल कितना होता है पार्शियल प्रेशर, जैसे 75 से लेके 100 mmHg, ये क्या आपका गिर जाएगा बॉडी में ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चेक करते हैं, नॉर्मल कितना होता है 38 से लेके 42 mmHg, ये भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। पीएच, इससे पीएच पता चल जाती है, नॉर्मल पीएच हमारी कितनी होती है 7.38 से लेके 7.42, ये भी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये भी हम आरटीएल ब्लड गैस से चेक करते हैं। फाइनली हम ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट में हम कुछ नहीं करते, ट्रीटमेंट में हमें एंटीबायोटिक्स ही देनी पड़ती है और हम कुछ नहीं कर सकते। जो मेन सिम्टम्स है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल है तो एंटीवायरल दो, एंड बैक्टीरियल है तो एंटीबैक्टीरियल दो, बस और क्या करोगे, कुछ नहीं, बस उनकी ग्रोथ रोकनी है। वो रुक गए तो आप ठीक हो गए, और क्या, काम खत्म। तो मेन क्या है, जनरल मीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले जनरल मीजर्स होते हैं हमारे चेक ईयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं एबीसी। क्या बोलते हैं इसको, एबीसी, चेक ईयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। प्रॉपर ईयरवे नॉर्मल है, सांस ले पा रहा है कि नहीं, सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं, तो ये जो जनरल हम हर डॉक्टर के यहाँ पर हम जो हर टेस्ट से पहले हम एबीसी चेक करते ही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, बस सिम्टम्स पे, कि उसको क्या हो जाए, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ना लग जाए। कौन सा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ना लग जाए, उससे बचाने के लिए हम कंटिन्यूअसली फ्लूड्स चढ़ाते रहते हैं बॉडी में, ठीक है, बॉडी में फ्लूड चढ़ाते रहते हैं ना, ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, ब्लड लॉस में आइनोट्रोपिक एजेंट्स होते हैं, तो वो आइंस वगैरह में हम चढ़ाते रहते हैं। प्लस अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो फिर भैया उसे ऑक्सीजन दो, है ना। पेन ज्यादा हो रहा है, हमने पढ़ा था ना, प्यूरेटिक पेन हो रहा था, तो वो हो रहा है तो पैरासिटामोल कोडिन यानी एंटी एनर्जेसिक दो। मेन होता है एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, हमें क्या होता है, मैक्रोलाइड, जैसे हमें नाम याद करने पड़ेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स के, जो हम एंटीबायोटिक्स इसमें देते हैं कॉमनली, जैसे मैक्रोलाइड्स में जैसे एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, ये सब सारे दिए जाते हैं। अजिथ्रोमाइसिन स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में नहीं दिया जाता, क्यों, क्योंकि वो उसके लिए रजिस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको बोला वो टेस्ट करना जरूरी है। क्यों, अगर मान के चलो किसी को इन्फेक्शन हुआ स्टेफलोकोकस निमोनाई से, स्टेफलोकोकस निमोनाई से हुआ और डॉक्टर ने उसको लिख दिया अजिथ्रोमाइसिन, तो अब कितनी भी तुम अजिथ्रोमाइसिन खिला दो, बैक्टीरिया कभी मरेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए रजिस्ट है, तो फिर वो इन्फेक्शन तो फैलता जाएगा। इसलिए बहुत कराना इंपॉर्टेंट होता है कि आप पता करना, अगर हमें पता चल गया पर्टिकुलर इससे हो रहा है तो हम पर्टिकुलर वही मेडिसिन देंगे, और वो मेडिसिन देंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, और हमें नहीं पता चला तो फिर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं। तो बहुत सारे फ्लू जो फ्लूरोक्विनोन्स, ये सब आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के फार्मा में याद नाम करे होंगे, इनको नाम याद करो, लीवोफ्लॉक्सिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, जीमोफ्लॉक्सिन, और भी एक नाम होता है ओफ्लॉक्सिन, बहुत सारे डॉक्टर्स कॉमन आपको, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, ये दोनों में काम करती हैं, टिपिकल में भी और एटिपिकल में भी। मतलब अगर आपको पता है कौन सा बैक्टीरिया है तब भी दे देते, अगर पता है कि बैक्टीरिया इसके लिए और नहीं पता तब भी हमें नहीं देते, तो बहुत है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जिसमें वो फ्लॉक्सिन, वो फ्लॉक्सिन, ये बहुत कॉमन दी जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, ठीक है। अगर किसी को अनकॉम्प्लिकेटेड निमोनिया, मतलब अभी बस निमोनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जनरल मेडिसिन यही दी जाती है, कौन सी, एरिथ्रोमाइसिन, अब ये सब एंटीबायोटिक्स हैं, अब एरिथ्रोमाइसिन, अमैक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये सब फार्मा में नाम याद करके आए होंगे। जो थोड़ा सा मॉडरेट सिक पेशेंट होता है, जो मतलब जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत होती है, उन्हें थोड़ी एडवांस लेवल की एंटीबायोटिक दी जाती है, उन्हें दी जाती है सेफिट्रिज़ोन, ठीक है, सेफ्ट्रिक्सॉन, ये थोड़ी है। और जिनको खतरनाक सीवियर पेशेंट है, जो बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके, उनकी हालत बहुत खराब है, तो उन्हें उन्हें सेफ्ट्रिक्सॉन दी जाती है, फिर साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है अजिथ्रोमाइसिन या लीवोफ्लॉक्सिन। तो मतलब यही है, देखो पहले क्या है, कम लेवल की एंटीबायोटिक, फिर और ज्यादा लेवल की एंटीबायोटिक, अगर मॉडरेट डॉक्टर खराब होगा तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की एंटीबायोटिक्स देंगे, तो एंटीबायोटिक्स खत्म बात, और हम कुछ तो दे नहीं सकते, क्योंकि जिससे हो रहा है तो वही देनी पड़ेगी। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो भैया कि हमें निमोनिया ना हो, तो उसके लिए आती है वैक्सीन, निमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन आती है। इस वैक्सीन के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं 2 मिनट, क्या होती है निमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन, पीपीवी वैक्सीन, ये ना बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है, बच्चों को लगाई जाती है, स्पेशली अगर आपको जो बच्चे कहते हैं, जो जनरली 2 ईयर्स से छोटे होते हैं, ये 4 शॉट में वैक्सीन लगाई जाती है, आपने सुनी होगी, 4 शॉट में, पहला शॉट इसका लगता है 2 मंथ्स पर, जब बच्चा 2 मंथ्स का होता है, दूसरा शॉट लगता है 4 मंथ पर, तीसरा शॉट लगता है हमारा 6 मंथ पर, और हमारा चौथा शॉट लगता है इसका, क्या बोलते हैं, 12 से 15 मंथ जब मंथ का होता है, तो इसको बूस्टर डोज बोलते हैं। तो ये इस तरीके से वैक्सीन लगाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आज की डेट पे लगवाना, क्योंकि सबसे ज्यादा डेथ इंडिया में जो बच्चों की निमोनिया से ही होती है, तो हमारा निमोनिया और डिहाइड्रेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैक्सीन लगवाना। फिर जब क्योंकि हमारे अंदर तो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, ओल्डर एज में भी लगती है, ओल्डर एज में 2 ही शॉट लगते हैं, जब आप 60 साल के ऊपर हो जाते हो ना, तो उन लोगों में भी लगवानी पड़ती है, तो दो दो ही डोज लगते हैं, क्लियर, ये होती है जनरली पीपीवीएम, ठीक है। ऐसा इसका एक स्पेशल चीज और बता रहा हूँ, कभी भी आपको पीपीवी के नाम से लिखी नहीं मिलेगी, हमेशा आपको नाम से लिखी मिलेगी PPSV23, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उसको अच्छे से समझना, जब भी ये वैक्सीन होगी ये PPSV23 के नाम से आपको मेंशन होगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मेन नाम होता है निमोकोकल
नीमोकोकल, पॉली सैकराइड वैक्सीन। पीपीवी यहाँ लिखा है, पीपीवी इसने ऐसे नहीं, इस तरीके से लिखी होती है हर जगह पर, 23 लिखा होता है, ठीक है। ये किस नाम से होती है, ये जो मेन नाम होता है, जो इस जैसे जैसे कोवैक्सीन कोविशील्ड नाम से आती है ना ऐसे, इसी तरीके से ये जिस नाम से चलती है उसका नाम होता है, ये नाम इसे याद करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल को आप डॉक्टर बनो, कोई आपसे पूछेगा कौन सी, तो पता मुझे नीमोवैक्स 23, नीमोवैक्स 23 के नाम से इंडिया में आती है वैक्सीन, और इस वैक्सीन को लगाया जाता है, ठीक है, नीमोवैक्स 23। अब ये काम कैसे करती है इसको थोड़ा सा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। देखो इसमें ये तो समझ आ गया 23 का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। ये ना क्या होता है, हम जानते हो सारी वैक्सीन में क्या होता है, हमको बैक्टीरिया ही दिए जाते हैं, ये बैक्टीरियल वैक्सीन है, ये क्या वायरल वैक्सीन नहीं है, बैक्टीरियल वैक्सीन है। इसमें क्या होता है हमको, अब हम जानते हो हर डे हमारे वैक्सीन में होता क्या है, कोविड की वैक्सीन इसमें क्या है, हमारे वायरस है जो कैसे हैं अन्य कैसे कैसे एकदम मतलब डेड फॉर्म में, जो हमारे अंदर जाके इम्यूनिटी जगा देते हैं, तो उसी तरीके से इसमें होता है। इसमें 23 टाइप्स की जो बैक्टीरियल एंटीजन होते हैं वो डले हुए हैं, 23 टाइप्स के, क्योंकि आप अपने पढ़ना कितने सारे टाइप के नाम याद कर चुके, ऐसे जो मोस्ट कॉमन 23 टाइप्स के हैं उनके एंटीरिया के इसमें डले हुए हैं, 23 टाइप्स के। और पॉलीसेक्राइड नाम क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया के ऊपर शुगर की कोटिंग की जाती है, पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है शुगर, ये बैक्टीरिया का एंटीजन है, इसके ऊपर इस शुगर की कोटिंग करी जाती है जो इस बैक्टीरिया को इनएक्टिव बनाता है, वरना आपको यही बैक्टीरिया अंदर जाके निमोनिया करा देगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा नीमोकोकल, मतलब क्यों, क्योंकि नीमोकोकल वो निमोनिया का बैक्टीरिया था, पॉलीसेक्राइड इसलिए क्योंकि उसके ऊपर शुगर की कोटिंग करी जाती है जिससे वो इनएक्टिव हो जाए, और वैक्सीन है, ठीक है। 23 क्यों, क्योंकि ये 23 टाइप्स के इसके अंदर एंटीजन डले होते हैं अलग अलग प्रकार के, क्योंकि इतने सारे नाम पढ़ के आए तो उनके, तो इसको इसके अगर आपसे कोई वॉल्यूम पूछे ये कैसे होता है, तो इसके अंदर जो 23 वैक्सीन होते एंटीजन होते हैं उसमें हर एंटीजन का जो अमाउंट होता है वो 25 माइक्रोग्राम होता है, 25 माइक्रोग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 25 माइक्रोग्राम इक्वल टू 23 कितना होता है लिख लेना, ठीक है। तो 25 माइक्रोग्राम हर एक एंटीजन की वैल्यू होती है, प्लस इसमें 0.25% फिनॉल भी डला होता है। इसमें क्यों डला होता है भैया, दिमाग लगाओ, कि प्रिजर्व करने के लिए, कि वैक्सीन खराब, तो एज अ प्रिजर्वेटिव इसमें यह भी डला होता है, ठीक है। और ये आप, मैंने आपको बताया किस तरीके से काम करती है, मैंने जितनी नॉलेज दी है बहुत इंपॉर्टेंट है। PPSV23 के नाम से ये आती है ना, कंपनी का नाम है नीमोवैक्स 23। 23 का मतलब इसमें 23 एंटीजन है, एंटीजन वो कैसे इनएक्टिव है, उस पर शुगर की कोटिंग है, हर एंटीजन का जो अमाउंट है वो 25 माइक्रोग्राम है इंटू 23, 0.25% में फिनॉल डाला है जो उसको प्रिजर्व करके रखी। आखिरी में फिर अगर हमारे घर सपोज करो हमारा इतना इन्फेक्शन हो गया कि हमारे लंग्स खराब हो गए, तो आखिरी में तो बची हुई होती है सर्जरी। सर्जरी में कुछ नहीं करते, जो जितना लंग्स का पार्ट खराब हो गया उसे काट के बाहर निकाल देते हैं, लंग्स रिजेक्शन थ्रू वेज रिजेक्शन, मतलब ये लंग्स है अगर पर्टिकुलर इतना पार्ट खराब हो गया सपोज, तो इसको कैसे कट करेंगे, वेज में, ऐसे इस तरीके से वेज रिजेक्शन, इतना का पार्ट करके बाहर निकाल देते हैं, या पर्टिकुलर कोई लोब खराब हो गया, अपर लोब या लोअर लोब, तो उसको कट करके बाहर निकाल देते हैं। और क्या कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पार्ट तो ऑलरेडी खराब हो चुका है, उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो वो इन्फेक्शन फेल फेल के दूसरे पार्ट को भी खराब कर देगा, तो वो भी हम कर इसमें सकते हैं। तो सर्जरी में तो हमारा एंड गोल यही होगा, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक है, और पूरा प्रिवेंशन में मैंने आपको वैक्सीन समझा दी, ठीक है। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर निमोनिया, इसमें मैंने आपकी जितनी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है वो जोड़ दी, बेसिक जोड़ दी, सब कुछ जोड़ दिया, तो आज आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।